नमस्कार दोस्तों, 2012 में TCS की ट्रेनिंग के दौरान एक कोलीग से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। उसका नाम था अमित। अमित से देखो ज्यादा दोस्ती होने का मेन रीजन भी यही था, वो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता था। अमित तो देखो हमेशा अपने आप को गंगा जल के अजय देवगन के रूप में देखता था, बट उसकी एक बहुत खराब आदत थी, भयंकर वाली स्मोकिंग, मतलब नेक्स्ट लेवल स्मोकिंग। बताता हूँ कैसी। बेंगलोर में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो एक दिन हमने डिसाइड किया फ्लैट से थोड़ा दूर सिविल सर्विसेज की बुक्स मिल जाती हैं, वहां पे जाके देखते हैं, कुछ नोट्स वगैरह कुछ एक्सप्लोर करके आते हैं। वहां पहुंचने में हमें वक्त लगा 1.25 घंटा। आपको जान के देखो हैरानी होगी, रास्ते में 1.25 घंटे में वो शायद 8-9 सिगरेट पी गया। जैसे रास्ते में कोई मिल गया, बातचीत करते वक्त थोड़ी सी चाय ली, फोन पे बात करते करते 2-3 सिगरेट। कहता कि एक सिगरेट से मेरा कुछ होता ही नहीं। मैंने उसको बोला कि भाई इतनी ज्यादा सिगरेट पियोगे तो कैसे तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, कल को सिगरेट पे वो मुकेश की तस्वीर होती है, तुम्हारी तस्वीर सिगरेट के पैकेट पे दिखेगी। अमित की तरह देखो सभी ह्यूमन बीइंग्स में कोई ना कोई खराब आदत तो होती है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं। अमित भी वो सिगरेट की आदत छोड़ना चाहता था। किसी में ज्यादा बोलने की आदत होती है, किसी को ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत होती है, किसी को फोन देखने की आदत होती है, बट देखो कई बार सिर्फ विल पावर के दम पर यानी इच्छा शक्ति के दम पर ये खराब आदतें छोड़ना मुश्किल होता है। तो चार्ल्स डुहिक के द्वारा अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में एक स्ट्रेटेजी बताई जाती है कैसे हम इन खराब आदतों को, इनमें से कोई भी खराब आदत है, कैसे उस आदत को हम छोड़ सकते हैं। उस स्ट्रेटेजी का नाम है डिनायल एंड रिप्लेसमेंट। पहले डिनायल की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे रिप्लेसमेंट की। डिनायल मतलब देखो मान लीजिए आपको खराब आदत है बार बार अपना मोबाइल चेक करने की, मोबाइल में नोटिफिकेशन चेक करने की। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है ही नहीं, आपने मोबाइल बैग में रखा है या फिर आपने मोबाइल फोन किसी अलमारी में रख दिया है पढ़ते वक्त, तो आपका हाथ जाएगा ही नहीं मोबाइल फोन पर, तो आप नोटिफिकेशन नहीं चेक करोगे। इसको कहा जाता है डिनायल। डिनायल के बाद अब आता है रिप्लेसमेंट। ये देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी जो हैबिट की क्रेविंग है ना, मतलब जब भी वो खराब आदत का एक्सरसाइज करने का, प्रैक्टिस करने का मन करे, जैसे सिगरेट पीने का मन करे, मोबाइल चलाने का मन करे, तो उस पल को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, आप क्यों नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हो। उसी प्रकार से जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं वो भी उस पल को एनालाइज करें जब उनके सिगरेट पीने की इच्छा होती है। अब आपके मन में आया होगा सिगरेट पीने की तो तलब उठती है ना, मतलब वो निकोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं तभी वो स्मोक करना चाहते हैं। देखो बात सिर्फ निकोटीन की नहीं है, अगर सिर्फ निकोटीन को कंज्यूम करने की इच्छा होती तो निकोटीन की तो च्युइंगम्स भी तो आती है ना, तो वो लोग जो निकोटीन की च्युइंगम्स से कंज्यूम करते हैं वो तो आसानी से सिगरेट छोड़ पाते, वो नहीं छोड़ पाते, सिर्फ 10% लोग छोड़ पाते हैं। असल में देखो सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग सिगरेट इसलिए पीते हैं क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं या फिर उन्हें सोशलाइज होना होता है, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो चलो खड़ा खड़ा सिगरेट पी लिया। तो मतलब ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो बोर हो रहे होते हैं तो सिगरेट जला ली, किसी के साथ बात कर रहे हैं तो सिगरेट जला ली। उसी प्रकार से मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन हम ज्यादा तब चेक करते हैं जब हमारा माइंड स्टिमुलेशन मांगता है, कुछ नया मांगता है कि हमें कुछ नया चाहिए। अगर मान लो ऐसी पॉइंट्स पर जब खराब आदत की क्रेविंग हो रही है वहां पे कोई नई हैबिट हम रिप्लेस कर दें, जैसे देखो आपको सोशलाइज होना है, सोशलाइज होने के लिए आप सिगरेट पीते हो किसी के साथ, तो सिगरेट की जगह चाय पी लो। मतलब ये है खराब आदत को रिप्लेस करना एक नई अच्छी आदत से। ऐसा नहीं कि सिगरेट छोड़ी तो 6-7 सिगरेट की जगह 6-7 चाय पीना स्टार्ट कर दिया, डायबिटीज हो जाएगा इससे। तो मतलब कहने का देखो जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन ज्यादा चेक करते हैं तो दिमाग स्टिमुलेशन मांगता है, इस स्टिमुलेशन को हम कंपनसेट कर सकते हैं 10 पुशअप करके, थोड़ा डांस करके, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी। देखो नई हैबिट आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हो हिट एंड ट्रायल की सहायता से, लेकिन ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी किसी खराब आदत को छोड़ने का। वैसे देखो एक चीज तो मुझे पता है, आपके अंदर ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि अमित का फाइनली क्या हुआ, रैंक आई या फिर नहीं आई। अमित ने देखो तैयारी नहीं की थी, कुछ समय बाद उसका जोश ठंडा हो गया था, तभी तो मैं बोलता हूँ आप उन ब्रेव लोगों में से हो, क्रेजियस लोगों में से हो जो तैयारी कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, सोचते तो बहुत लोग हैं लेकिन तैयारी करने की हिम्मत किसी किसी में होती है। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर बताइएगा, आपकी कौन सी खराब आदत है जो आप छोड़ना चाहते हो। थैंक यू।